माय यूट्यूब चैनल क्यू वास्तु एनालिसिस। दोस्तों आप सबका स्वागत हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स अभी अहमदाबाद के एक क्लिनिक में खड़े हुए हैं। यहाँ पे क्लिनिक के अंदर ये एक कैबिन है जहाँ पे डॉक्टर साहब खुद बैठते हैं। ये कैबिन जो है वो साउथ वेस्ट के एरिया का कैबिन है। यहाँ पे आप देखोगे तो रेड कलर की चेयर है, फिर यहाँ पे जो ब्लैक चेयर पड़ी हुई है और ये ब्लू कलर का सोफा पड़ा हुआ है। और यहाँ पे जो साउथ डायरेक्शन है वो साउथ डायरेक्शन में ट्रांसपेरेंट ग्लास फिट है और पीछे की दीवार जो है वो येलो दीवार है और यहाँ पे उनके सर्टिफिकेट हैं। और यहाँ पे ये देखेंगे तो ये साउथ वेस्ट के जोन में पत्थर भी है, पर्वत भी है और पानी भी है। फ्रेंड्स अब हमारा फ्रेंड्स जो अब हमारे यहाँ का जो वास्तु का जो पार्ट है ये साउथ वेस्ट की केबिन जिसे कहते हैं। यहाँ पे पृथ्वी तत्व होना चाहिए, तो बैक साइड पर इन्होंने येलो इस लेमन कलर करा रखा है। चेयर भी रेड कलर की ले रखी है, बट यहाँ पे कहीं पे देखोगे तो ये एग्जैक्टली साउथ पोर्शन के अंदर ब्लू कलर के फैब्रिक के सोफे है, सीटिंग पेशेंट सोफे है, विजिटर सोफा सेट है जो वास्तु दोष बनता है। और सबसे बड़ा के अर्थ एलिमेंट यानी साउथ वेस्ट की डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे पानी का ही है। अब क्या वास्तु, अगर हम वैदिक वास्तु के हिसाब से बात करेंगे तो ये हमने वास्तु के अंदर पढ़ा हुआ है ऐसा कुछ होगा तो वो नेगेटिव होगा। पर अभी जो स्कैनर जो व्यूअर स्कैनर जो मींस जो कंसल्टेंट स्कैनर यूज करते हैं आज उनके लिए बहुत अच्छी ये केस स्टडी है कि ये आप वर्बली तो उस क्लाइंट को दिखा सकते हो कि ये वास्तु दोष है, पर 100% ये है इसका क्या साइंटिफिक फ्रीक्वेंसी है वो भी मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। अब ये देखिए इसमें पॉजिटिविटी के सैंपल है। अब मैं इसमें यहाँ पे स्पेस इसकी एनर्जी स्कैन करूंगा, इस स्पेस की पॉजिटिविटी एनर्जी स्कैन कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो निकल के आ रही है ओनली फॉर 30% यानी 30% ही निकल के आ रही है, यानी यहाँ पे इतनी नेगेटिविटी है 70% नेगेटिविटी है। पॉजिटिव एरिया जो कुछ है वो इस वॉल का आ रहा है जिससे यहाँ से पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रहे हैं। बट अब मैं इस तरफ से थोड़ा फ्रीक्वेंसी मैच करने की कोशिश करूंगा, पर इस स्पेस की पॉजिटिविटी स्कैन कीजिए तो देखिए यहाँ से ये पूरा नेगेटिव जोन पे जा रहा है। और इसी तरह अब मैं इस स्पेस में देखूंगा तो यहाँ पे भी पूरा देखना पूरा ये नेगेटिव ही हो रहा है। खाली देखने जाएंगे तो ये वो लेमन वॉल की वजह से ये पॉजिटिविटी आ रही है, वो भी खाली 30% ही आ रही है, ज्यादा स्पेस की पॉजिटिविटी नहीं है। अब हम यहाँ पे एक तो जियोपैथिक का भी हम जोन देखेंगे, उसके ट्रीटमेंट करेंगे, यहाँ से ये हटाने की कोशिश करेंगे। फैब्रिक तो हम अभी इमीडिएटली चेंज नहीं कर पाएंगे, पर यहाँ पे एनर्जी रोड लगाएंगे, डायरेक्शन रोड लगाएंगे जिससे यहाँ की पॉजिटिविटी में हम कुछ डिफरेंस देखेंगे। यहाँ की ऑलरेडी पॉजिटिविटी बहुत ही कम है, तो यहाँ पे अगर बंदा बैठेगा अपना बिजनेस का ग्रोथ करने के लिए और उसकी पॉजिटिविटी ही यहाँ पे कम होगी तो उसका माइंड में ब्लॉकेज जाएगी, उसकी थिंकिंग नेगेटिव में जाएगी, वो अपने बिजनेस को विकास करने के लिए बिजनेस के प्रोग्रेस के लिए नए नए आइडियाज जो अपने माइंड में और अपनी टैलेंट में लेके आना चाहता है प्रैक्टिस में तो वो नहीं ले पाएगा क्योंकि उसको ब्लॉकेज माइंड के अंदर रहेगी। यानी आप भी अगर कोई ऐसी क्लिनिक हो, आप भी कोई बिजनेस करते हो, यहाँ पे ऐसी कोई भी प्लेसमेंट हो तो स्पेशली आपके वहाँ के किसी भी वास्तु कंसल्टेंट को बुलाओ, अगर वो ओरा स्कैनर एक्सपर्ट है तो उनसे ओरा स्कैनिंग कराइए क्योंकि कई चीज हमें देखने से नहीं पता जो ओरा स्कैनर से पता चलता है। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर महादेव।